हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बंद वाली आस्तीन कैसे लगाते हैं सूट में। तो मैंने ये सूट अपना फिट कर लिया है कि जितना मेरा सूट है बिल्कुल फिटिंग कर ली है मैंने इस सूट की। और यहाँ पर मैंने मुड्ढों की भी सिलाई अपने फिटिंग के अनुसार कर ली है। जैसे मैंने यहाँ की सिलाई की है फिटिंग के अनुसार 6.5 इंच, ये मैंने यहाँ सिलाई कर ली है 6.5 इंच। तो मैं इसकी आस्तीन ये मैंने जो काटी थी, अब मैंने वहां आस्तीन मुड्ढों की फिटिंग रखी थी 6.5 इंच, तो मैं यहाँ 7 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब आस्तीन सिलते हैं तो 1/2 इंच बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब इसकी मैं यहाँ सिलाई करूंगी, फिर बंद वाली आस्तीन आपको सूट में लगाकर बताऊंगी। उल्टी साइड में ये मैंने आस्तीन का आगे से मोड़ रखा है, उल्टी साइड में मैं सिलाई रखकर इसमें सिलाई लगाऊंगी। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, देखिए आप, थोड़ा सा पक्का कर लूंगी मैं यहाँ। अब मैंने ये आस्तीन भी बंद कर ली है, इस मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे सिलाई लगानी है इसमें 7 इंच पे, तो 7 इंच पे मैंने यहाँ सिलाई लगा ली। अब मैं इस आस्तीन को सीधा कर लूंगी इस तरीके से, सीधा कर लिया, ये भी सीधा हो गया। और ये सूट जो मैंने फिटिंग करके रखा था बंद वाली आस्तीन लगाने के लिए, इस पर भी यहाँ सिलाई लगी हुई। अब मैं इस आस्तीन को किस तरीके से सिलूंगी, ये मेरी सीधी साइड हो गई आस्तीन की, और ये मेरा सूट का सीधा साइड हो गया। तरीके से इस वाली सिलाई को इसके ऊपर रखूंगी, यहाँ इस तरीके से, इस सिलाई के बीच से इसको यहाँ ऊपर रख के इस पर यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, यहाँ यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, यहाँ सिलाई लगा ली। अब मैं इसको ऐसे खोल कर, इसको मैंने खोल लिया है, इसको खोल लिया। अब मैं इसको कुर्ते को आस्तीन को इसकी उल्टा करूंगी। अब मैं यहाँ से फिर से सही से सिलाई लगा लूंगी। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये मैंने आस्तीन की सिलाई कर ली है। यहाँ से आप देखिए दोनों सिलाई पास पास है, और हमने ये बंद वाली आस्तीन लगा ली है। तो इस तरीके से हमारी बंद वाली आस्तीन लग गई है।